डिसेंट्री को हम हिंदी में पेचिस भी बोलते हैं। यह आंतों की सूजन है, आंतों का यानी कि इंटेस्टाइन्स का सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसके कारण खून का डायरिया होता है, खूनी डायरिया होता है। और यह बैक्टीरिया या अमीबा किसी भी कारणवश हो सकता है, यह अक्सर दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। यदि अमीबा के कारण होता है तो अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, और उसका कारण है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंड बैक्टीरिया के कारण होता है तो शिजिला बोलते हैं, शिजिलियोसिस बोलते हैं, शिजिला के कारण होता है। इनक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 days है। और बेसिलिक डिसेंट्री के लक्षण है डायरिया एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ, यानी मरोड़ होगा, फीवर होगा, नौशा वोमिटिंग, और ब्लड और म्यूकस पाया जाता है स्टूल में। और अमीबिक डिसेंट्री में नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्स, वेट लॉस होगा अमीबिक डिसेंट्री में, और फीवर भी होगा। और सीरियस कंडीशन में अमीबिक डिसेंट्री जो है लिवर एप्सिस में बदल जाता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जिसमें कि लिवर में एप्सिस यानी कि पस कलेक्शन होने लगता है। और इसका हम पता लगा सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल से। इसका ट्रीटमेंट है प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना है। पेप्टो बिस्मोल नाम का एक दवा है, जो कि डायरिया को कम करने के लिए और पेट के ऐंठन को कम करने के लिए दिया जाता है। एसिटामिनोफीन ओटीसी ड्रग है, जो कि हम दर्द के लिए लेते हैं, और इसमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है।